अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं एनआईटी वाले राजा यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप की कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ प्रो टिप्स। व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ कर लेते हैं, मतलब सभी यूज़ करते रहते हैं पूरे दिन में, ठीक है। तो मैं ये कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक प्रो व्हाट्सएप यूज़र बन सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा होगा, तो बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो है आप व्हाट्सएप को एक प्रो यूजर्स की तरह जो है यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहला जो तरीका है वो है व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज को रीड करना। तो प्रिय दोस्तों, हमारे दोस्त या फिर हमारे रिलेटिव जो है हमें तंग करते हैं, हमें जो है मैसेज करके वो जो है डिलीट कर देते हैं, या फिर कोई वीडियो या ऑडियो या होती है जो कि डिलीट कर देते हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा उसको आप जो है डिलीट होने के बाद भी जो है रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ पहले ही से बता देता हूँ, ये जब आप ये तरीका लगाएंगे तब से ये स्टार्ट होगा, पहले वाली रिकवर नहीं होगी। मतलब कि इसको अप्लाई करने के बाद जो डिलीट होगा वो ही रिकवर होगा। तो सबसे पहले जो है आपने करना क्या है, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, एक ऐप का लिंक होगा व्हाट्सएप डिलीट का। तो यहाँ पर जो है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। इंस्टॉल करने के बाद जो है इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद जो है जब भी कोई मैसेज आएगा और वो डिलीट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है रिकवर हो जाएगा, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, या फिर टेक्स्ट मैसेज हो। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पर जो है एक चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, ये आप जो है अपने मोबाइल के साथ कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है जब एक वॉइस मैसेज सेंड करते हैं आपको जो है वो सुनना होता है बाद में, मतलब कि सेंड करने से पहले जो है आप उसे सुन सकते हैं, मतलब आपने क्या बोला है, कुछ गलती तो नहीं होगी या फिर वॉइस आपकी सही आई है, शोर तो नहीं है, तो आप मतलब काफ़ी सारे जो है पैरामीटर जो है आप चेक कर सकते हैं। ये आपने कैसे करना है, आपने जो है वॉइस वाला जहाँ पर से आप सेंड करते हैं उसे होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद जो है स्वाइप अप करना है और उसे जो है लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जो है आपने अपना मैसेज बोलना है, जो भी आपने बोलना चाहते हैं आप बोल लें। उसके बाद जो है जब आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए, सिंपल आपने जो है बैक के बटन पे क्लिक कर देना है कंजर्वेशन में से, और यहाँ पर कंजर्वेशन में से बैक करने के बाद जो है आपने कंजर्वेशन को दोबारा से ऑन करना है, तो वो वॉइस वहीं पर होगी और उसको आप जो है प्ले करके देख सकते हैं बिफोर सेंडिंग टू अदर यूज़र। तो आप उसे देख सकते हैं मतलब कि वो मैसेज सही आपने दिया है या फिर नहीं। तो ये एक प्रो टिप है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो है थर्ड टिप जो है आपको मिल जाती है वो है व्हाट्सएप का ही एक फीचर है जो कि न्यू फीचर है, मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता। प्रिय दोस्तों, अगर आपने व्हाट्सएप अभी तक अपडेट नहीं की तो आपने प्ले स्टोर में से जाकर अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद जो है अगर आपको ये फीचर नहीं मिल रहा तो आप अपडेट कर लें, अगर आपको ये फीचर मिल जाता है तो आप जो है अपडेट ना भी करें तो ठीक है। तो अभी आपने करना क्या है, प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद जो है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीवियस 7 डेज के जो है आप मैसेज जो है डिलीट कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, क्या होता है कि हमारी कुछ खुफिया कंजर्वेशंस होती हैं, मतलब किसी भी किस्म की हो सकती है, मैं कुछ नहीं कह रहा इस बारे में। तो जो है मान लें कि आज जो आपकी अब कंजर्वेशन ऑन हुई, आप कंजर्वेशन स्टार्ट की है और यहाँ पर जो है आपने इस वाले फीचर को जो है इनेबल कर लिया है। इस वाले फीचर को इनेबल करने के बाद जो है 7 दिन के बाद, मतलब कि आज जो है फ्राइडे है, तो मतलब के 7 दिन अगले फ्राइडे को इस फ्राइडे के मैसेज जो है ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक प्राइवेसी बढ़ जाती है, मतलब कि अगर आपका कोई फ़ोन चेक करता है तो वो जो है मैसेजेस पहले से ही डिलीट हो चुके होते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है आपके मोबाइल की स्टोरेज जो है वो सेव रहती है, मतलब कि पिछले मैसेजेस भी जो है आपकी स्टोरेज ले रहे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह तो ये स्टोरेज जो है ले रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पिछली अगर वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ ऑडियोज़ वगैरह अगर आपका पर्सनल डाटा है तो आप इसको कभी भी ऑन ना करें, तो इससे जो है आपका पर्सनल डाटा भी जो है डिलीट हो जाएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट वगैरह आते हैं तो आप उन पर जो है ट्राई कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।